उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में 7 सूत्रीय मांगों को लेकर राज्य आंदोलनकारियों ने सचिवालय कूच किया। इस दौरान काफी संख्या में महिलाएं और पुरुष इस घेराव में उपस्थित रहे और जमकर राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों के आक्रोश को देखते हुए पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर प्रदर्शनकारियों को सचिवालय से पहले ही रोक लिया। उत्तराखंड राज्य निर्माण सेनानी मंच के अध्यक्ष नंदा वल्लभ पांडे ने बताया कि 7 सूत्रीय मांगों को लेकर सचिवालय का घेराव किया गया। वहीं उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने जल्द इन मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो राज्य आंदोलनकारियों को भूख हड़ताल पर बैठने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। क्राइम स्टोरी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, देहरादून। हम लोग 6 महीने से धरनारत हैं, 184 दिन हुए, 7वें महीने में यह आंदोलन हमारा प्रवेश कर रखा है। 7 महीने तक हम 7 सूत्री मांग में, 7 सूत्री मांग है हमारी। नंबर 1, चिन्हीकरण की प्रक्रिया पूरी की जाए। नंबर 2, समूचे उत्तराखंड को आरक्षित किया जाए। नंबर 3, रामपुर तिराहे के दोषियों को सजा दी जाए। नंबर 4, उत्तराखंड राज्य निर्माण सेनानी का दर्जा दिया जाए, उनके आश्रितों को रोजगार दिया जाए। सीमावर्ती जिलों से पलायन पर पूर्ण रूप से रोक लगाई जाए। आधुनिक भारत की तर्ज पर प्रत्येक जिले के आंदोलनकारियों के गांव में शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन एवं रोजगार से सुसज्जित शहीद स्मारकों का निर्माण किया जाए। ये हमारी 7 सूत्री मांग है, जिस पर सरकार ने 6 महीने पूरे होने के बाद में, आप 7वें महीने में प्रवेश कर रहे हैं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही, इसलिए मजबूर होकर के हमें जो है रोड पर इन वृद्ध माताओं को जो है रोड पर ला करके आंदोलन करना पड़ रहा है। हड़ताल करेंगे और अपने जो भूख हड़ताल के बाद में जो स्थिति होती है वो आप लोगों को स्वयं मालूम है।